हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा बगीचा में। दोस्तों, आप जो मेरे सामने ये जो देख रहे हैं, ये जो है कि गुलदाउदी का प्लांट है। सर्दियों का मौसम आ गया है और सर्दियों में अगर आपने गुलदाउदी का फूल लगाया हुआ है तो उस पर जो है कि फूल अब खिलने शुरू हो गए हैं। मैंने भी गुलदाउदी का पौधा लगाया हुआ है, काफ़ी ढेर सारे पौधे लगाए हुए हैं, और लेकिन मैं इस प्लांट्स पर वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, ये जो मेरा गुलदाउदी का प्लांट आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे फूल आए हुए हैं। उसका रीज़न एक है, केवल एक, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ अंत तक। दोस्तों, करते क्या हैं, सबसे पहले गुलदाउदी को हम लोग, कि अगर आपने गुलदाउदी का प्लांट लगाया है तो इसकी गमले की मिट्टी जो होती है वो सख्त हो जाती है पानी देते देते, तो उसकी गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ऐसे हम देख रहे हैं आप लोग, ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो है आप इस तरह के औजार से पौधों की गुड़ाई कर दीजिए। देखिए, मैं धीरे धीरे जो है पौधों की गुड़ाई कर दे रहा हूँ। इससे क्या होता है कि मिट्टी जो है कि मिट्टी में एयर जाने लगता है, और जो इसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जो काई वगैरह लगी रहती है, जो फंगल वगैरह लगे रहते हैं, थोड़ी सी धूप मिलती है तो सूख जाते हैं वो। फिर जो है मिट्टी का जो ड्रेनेज है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। जब इस तरीके से जो है मिट्टी कंप्लीट हो जाती है गुड़ाई करके, तो हमें करना कुछ नहीं है। ये जो देख रहे हैं आप, ये जो है गोबर की खाद है। गोबर की खाद को जो है कि अपने किसी भी प्लांट में लगा सकते हैं। उससे क्या होता है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं। मैंने इस प्लांट में जो है कि जब ये प्लांट लगाया था आपने, तो गमले में ही जो है कि ढेर सारा गोबर का जो है खाद डाल दिया था इसमें। इससे क्या होता है, इस ये एक वर्मी कंपोस्ट है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको जैविक खाद भी बोला जाता है। तो हम क्या करेंगे कि गोबर की खाद को लेकर के जो कूड़ी हुई मिट्टी है इस गमले के किनारे किनारे, ऐसे मिट्टी को चढ़ा करके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे हम लोग। इस गोबर की खाद में जो है कि न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो पौधों के चाहिए होती है वो प्रॉपर मात्रा में अवेलेबल होती है। तो हम क्या करेंगे, इस मिट्टी में हल्का हल्का हम लोग गोबर की खाद मिला देंगे। उससे क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि इस प्लांट्स पर कितने ढेर सारे फूल आए हुए हैं। देखिए आप, तो इस तरीके से जो है कि फूल आपके हर एक ब्रांच पे खिलेंगे। गुलदाउदी के हर एक ब्रांच पे फूल खिलेंगे, और ये बस हुआ है किसकी वजह से, तो गोबर की खाद की वजह से। बहुत लोग कहते हैं कि मैंने जो है कि अपना प्लांट लगाया है लेकिन वो अच्छे फूल नहीं दे रहे हैं। इसके हर एक ब्रांच पे फूल खिले हुए हैं, और उसका रीज़न बस यही है कि इसमें हमने गोबर की खाद जो है कि मिलाई हुई है। आप भी अपने प्लांट्स में ऐसे कर सकते हैं, अगर गुलदाउदी के प्लांट्स वगैरह लगाए हैं तो उससे क्या होगा कि इसको प्रॉपर मात्रा में हर एक चीज़ें गोबर की खाद से मिलती रहेगी। यही प्रक्रिया मैं अपने हर एक गुलदाउदी के प्लांट में करता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये प्लांट है, आप देख सकते होंगे इस पर भी ढेर सारे फूल आ रहे हैं। उसका भी यही रीज़न है, मैं करता कुछ नहीं हूँ, सिंपली सा जो है कि पौधे की गुड़ाई कर देता हूँ। पौधे की गुड़ाई करने के बाद इसमें जो है गोबर की कंपोस्ट डाल देता हूँ, और इस तरीके से इस पर जो है ढेर सारे फूल आने लगते हैं। ये बहुत बढ़िया कंपोस्ट है। अगर आप अपने प्लांट्स पे ढेर सारा फूल चाहते हैं तो यह प्रक्रिया कीजिए। दोस्तों, डाल करके हल्का सा आप जो है शेडी एरिया में रख दीजिएगा, और उसके बाद इसमें शाम के वक्त पानी डालते रहिएगा। इससे क्या होगा कि ढेर सारे फूल इस प्लांट्स पर आएंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्तों, तो इस वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू दोस्तों।